नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आज आपके सामने दो मुद्दे होंगे। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये दावा करती हैं कि इस देश का गरीब सपने देख सकता है। क्या वाकई उनके दावे में कोई हकीकत है? मुद्दा नंबर दो आपके सामने होगा। देश के चीफ जस्टिस रमन्ना ने आखिर मीडिया को क्यों लताड़ लगाई? वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता है। मगर शुरुआत मैं करना चाहूंगा देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। जी हां, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज संसद के सेंट्रल हॉल में वो गौरवान्वित लम्हा देश के सामने था जब एक आदिवासी के तौर पर आजाद भारत में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति मुर्मू का दावा था कि गरीब सपना देख सकता है। क्या उनके इस दावे में वाकई हकीकत है? क्या वाकई इस देश का गरीब सपने देख सकता है, या द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति ये सपना इसलिए देख पा रही हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की दो बार विधायक रही हैं? क्या उनके लिए ये सपना देखना इसलिए आसान हो गया है? आखिर सरकारें अपने गरीब बच्चों को, अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं, जैसा मैं आप कुछ देर बाद आपको दिखाने वाला हूं। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुनिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आखिर क्या कहा। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। देश का गरीब सपना देख सकता है, और जब वो ये बात कह रही थी तो सेंट्रल हॉल जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से बज उठा, गूंज उठा। आज मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आपके सामने ये तस्वीर देखिए दोस्तों, कांवड़िए जो यात्रा कर रहे हैं और पुलिस उनके पैर के छालों में मरहम लगा रही है। यही नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं मिला उन पर पुष्प वर्षा करने के लिए तो बाकायदा रोड की साइड में खड़े होकर पुलिस ने उन पर पुष्प वर्षा की। मगर दूसरी तरफ नागपुर से दिल्ली रवाना हुए छात्रों और युवाओं जिनमें कई गरीब के बच्चे थे, उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उन्हें बरगलाया जा रहा है, और यह बात कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस कर रही है। पत्रकार अनुराग द्वारी का यह ट्वीट और यह वीडियो में भी आपको दिखलाना चाहूंगा, इसमें वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। इस देश में कांवड़ियों पर प्रशासन फूल बरसाता है, मगर अहिंसक रूप से आंदोलन कर रहे छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है। 2018 में अर्ध सैनिक बलों में इनका चयन हुआ, 2022 तक नौकरी नहीं मिली, नागपुर से दिल्ली तक चुपचाप मार्च कर रहे हैं। कभी सागर में धकेले गए, कभी आगरा में पीटे गए, और अब मथुरा में इनके साथ बदतमीजी हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप इन युवाओं को सुने, इन युवतियों को सुने, और आप समझेंगे गरीब गरीब का फर्क। आप लोग का लीगल मान नहीं तो मुझे ये बता दें, 2018 में जब 10th 12th को आप बिना पढ़े हुए पास कर सकते, 2018 से जीडी को वर्दी क्यों नहीं? अरे सही बात है। और सर ये भी बोलते हैं कि 2011 में जो आपको मिला था वो बात सही बात नहीं। हम कोई सरकारी संपत्ति को ना हानि नहीं पहुंचा रहे। मैं फिर पूछना चाहता हूं, इस देश के नागरिक में फर्क क्यों? आज जब बेरोजगार अपना हक मांग रहा है, ये युवा जब अपना हक मांग रहा है, तो आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उस पर लाठियां चला रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि रातों रात निकल जाओ। जी हां, एक शॉकिंग वीडियो आया है दोस्तों, जिसे एक पत्रकार ने ट्वीट किया, और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी विश्वसनीयता को परखे और हमारे सामने हकीकत लाए। वीडियो क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं।
पत्रकार स्वाति सुबेदार का ये ट्वीट है दोस्तों, और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक लड़की की आवाज वो सुना रहे हैं। वो लड़की ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि रातों रात यहां से निकल जाओ, रातों रात सीमा यानी बॉर्डर को पार कर दो, और इन्हें एक मिनट भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। इनमें करीब 24 लड़कियां हैं, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो रात के अंधेरे में जो है मार्च करें। सुनिए लड़की क्या कह रही है। यहाँ पे रुके हो, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हमें धमकी दी है। उन्होंने कहा था कि अंदर करवा देंगे, जेल में बंद करवा देंगे और प्रोटेस्ट करते रहना और नौकरी लेते रहना, उन्होंने ऐसा कहा था। और फिर रात के अभी 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, हम 130 कैंडिडेट 11:30 बजे रात को पैदल चल रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? अगर रात को अगर कुछ हो जाता है, हम 24 लड़कियां हैं, और 24 लड़कियों की जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार लेगी, क्या यूपी पुलिस लेगी 24 लड़कियों की जिम्मेदारी? आज मैं सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से, मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, ये तमाम बच्चे जो नागपुर से दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, क्या इनके साथ इस तरह का बर्ताव होना चाहिए? क्या इनके साथ इस तरह की बदतमीजी की जानी चाहिए? और इनमें से कई गरीब के बच्चे हैं, अर्धसैनिक बलों में नौकरी की मांग कर रहे हैं। आज की तारीख में जो प्रदर्शन करता है उसे आप देशद्रोही कितनी आसानी से बता देते हैं। आदिवासियों के खिलाफ ऐसी कई मिसालें हैं जहां देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। मैं आपसे एक सीधा और सरल सवाल पूछता हूं कि क्या वाकई गरीब की स्थिति बेहतर हुई है? क्या वाकई गरीब सपने देख सकता है जैसे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दावा कर रही हैं? सीधा और सरल सवाल, इसका मैं आपसे जवाब चाहता हूं, और इसके अलावा कुछ नहीं। दो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, दो वीडियोस मैंने आपको दिखाया। मैंने आपको उस लड़की का वीडियो दिखाया जिसे मजबूर किया गया और इसके साथियों को मजबूर किया गया कि रात में आप लोग चहलकदमी कीजिए, निकलिए यहां से, आपको कोई हक नहीं इस शहर में रहने का, इस राज्य में रहने का। फिर मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाया किस तरह से छात्रों के साथ बदतमीजी की जा रही है, चाहे सागर हो, आगरा हो या कहीं पर भी, हर जगह इन्हें धकेला जा रहा है। क्यों? ये तो सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं ना। क्या बेरोजगारों के साथ इस तरह का बर्ताव पुलिस और सरकारें करेंगी? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर कांवड़ियों की सेवा सरकार कर रही है तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कांवड़ियों का काम भी चुनौतीपूर्ण होता है। वो सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं ईश्वर की धुन में, शिव की धुन में, और उनकी सेवा अगर प्रशासन करना चाहती है बिल्कुल कीजिए। मगर हमारे युवाओं के साथ जो सिर्फ अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह की बदतमीजी करने का अधिकार किसने दिया है आपको? और ये मत सोचिए दोस्तों, आज से उन युवाओं के साथ जो नागपुर से दिल्ली का मार्च कर रहे हैं, उनके साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी सांसद वरुण गांधी का ये ट्वीट जो उन्होंने किया था 16 जुलाई को, आज से 10 दिन पहले। उन्होंने क्या कहा था? नागपुर से दिल्ली हाथों में तिरंगा, ये देश के युवा हैं, अधिकार मांग रहे हैं। 2018 से संघर्षरत इन युवाओं में से कितनों ने आत्महत्या की, अब इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे लोकतांत्रिक मूल कहां हैं? हम अपने ही युवाओं के साथ इतने निष्ठुर व्यवहार कैसे कर सकते हैं? वरुण गांधी ने क्यों कहा था ये? 14 जुलाई का ये ट्वीट है उनका। ये वीडियो देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि इन युवाओं के साथ किस तरह की बदतमीजी की जा रही है। जबकि हमें 4 बजे से ही टॉर्चर किया जा रहा है, सारी लड़कियां को बहुत बुरी तरह से मैम लोगों ने, लेडी कांस्टेबल ने टॉर्चर किया और इनको डराया धमकाया, आधे बंदे को दूसरी बस में, आधे बंदे को इस बस में भर के लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है ये नहीं पता, लेकिन जब 850 किलोमीटर चल रही है तब ये पुलिस प्रशासन कहाँ थी? MP भी हम लोग क्रॉस किए, राजस्थान भी किए, महाराष्ट्र, नागपुर वगैरह भी किए, लेकिन तब तो पुलिस प्रशासन हमें टॉर्चर नहीं करी। लेकिन आज ये आगरा पुलिस की तानाशाही ऐसी है कि ना ये पानी दे रहे हैं और ना ये कुछ बोल रहे हैं, बस चुप्पी साध के बैठे हुए, यहाँ तक कि ये वर्दी बेच दी है, ये सरकार की कठपुतली है। देखा आपने, ये सिर्फ नौकरी मांग रहे हैं, वो नौकरियां जहां ये प्रवेश कर चुके हैं। 2018 से वो मामला लटका आ रहा है, मगर इनकी कोई सुध नहीं, इनकी आवाज कोई नहीं सुनना चाहता। कितनी बड़ी त्रासदी है ये। और मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं,
क्या एक देश खुश रह सकता है अगर वो अपने बेरोजगारों के साथ, अपने गरीबों के साथ, अपने युवाओं के साथ इस तरह का सलूक करे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से कई लोग अपने घरों में बैठकर इन्हें देशद्रोही बताएंगे, क्योंकि एक चलन निकल पड़ा है ना, जो सरकार से सवाल पूछता है वो देशद्रोही है। और इसे बढ़ाने का काम किसी और ने नहीं, हमारी जो वाहियात और घटिया मीडिया ने किया है, और वो चलन चला रहा है। और उसी मीडिया को लेकर इस शख्स के लहजे में भी दर्द सुनाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब। रमन्ना साहब ने क्या कहा है पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना ने कहा कि मीडिया मुद्दों पर अपनी अदालतें चला रहा है और इससे अनुभवी न्यायाधीशों को भी निर्णय करना मुश्किल हो रहा है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने आज रांची में विधि अध्ययन और अनुसंधान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्याय के मुद्दों पर कम जानकारी और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया की ओर से प्रचारित पक्षपातपूर्ण विचार लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और न्याय व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मीडिया ने लोकतंत्र को दो कदम पीछे ले जाकर और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया की अब भी कुछ हद तक जवाबदेही है, लेकिन न्यूज चैनल्स की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। वो जिक्र किस बात का कर रहे थे, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने नुपुर शर्मा के बारे में अपना बयान दिया था, अपने विचार व्यक्त किए थे, और फिर सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से जुड़े लोगों ने उनके खिलाफ एक अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया था। बात वहां नहीं रुकी थी, जिस दिन ऑल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर को बेल मिली थी, इंडिया टुडे जैसे न्यूज चैनल्स ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसा था। उनसे कोई पलट कर ये सवाल पूछ ले कि नुपुर शर्मा तो एक दिन भी जेल के अंदर नहीं रही, जेल तो बहुत दूर की बात है, मेरे ख्याल से अब तक किसी पुलिस ने उनसे सवाल तक नहीं किया, तो खुलेआम टारगेट किया गया उन दो जजेस में से एक जिन्होंने नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की थी। आखिरकार उन्होंने ही आदेश पारित किया कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार ना किया जाए, मगर उससे पहले उनके खिलाफ बहुत ही अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया था। जस्टिस पारदीवाला उनमें से एक जज को सामने आना पड़ा था और बताना पड़ा था कि हम पर जो प्रोपेगेंडा चलाया गया है सोशल मीडिया पर वो सही नहीं है, वो बहुत गलत है। मगर हुआ क्या, जिन लोगों ने वो प्रोपेगेंडा चलाया उन पर क्या एक्शन हुआ? दूसरी तरफ जो लोग देश की जनता को सच्चाई बताते हैं उन्हें आप 23-23 दिन तक जेल में सड़ने देते हैं। जो लोग फैक्ट चेक करते हैं, जो लोग झूठी जानकारियों का पर्दाफाश करते हैं उन्हें आप जेल में डाल देते हैं। जो पत्रकार अपना काम करना चाहते हैं उन्हें बरगलाते हैं, धमकाते हैं। मगर चीफ जस्टिस रमन्ना, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस जहरीली सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मेरे जैसे पत्रकार इस सरकार से सवाल करने के लिए कि चलते इतना अश्लील और घटिया प्रोपेगेंडा का सामना कर रहे हैं कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पिछले कई सालों से हम उसका मुकाबला कर रहे हैं और आज भी अपना सवाल पूछ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के जो तमाम जजेस हैं, उस तमाम झूठे प्रचार, उस अश्लील प्रचार के बावजूद, सोशल मीडिया पर उस हमले के बावजूद बगैर डरे अपने फैसले सुनाएंगे, क्योंकि चाहे जस्टिस पारदीवाला का बयान हो या खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब का बयान, क्योंकि रमन्ना साहब ने क्या कहा कि सोशल मीडिया का इस तरह से हमला होता है कि कभी कभी फैसले सुनाना, किसी मुद्दे पर फैसला सुनाना मुश्किल हो जाता है। मगर जस्टिस रमन्ना, मेरे जैसे पत्रकार सवाल तो पूछ रहे हैं,
और मैंने ये मिसाल कई बार अपने दर्शकों को दी है। इसी मंच पर मैंने अपने दर्शकों के सामने कुछ सवाल रखे थे और वो सवाल क्या थे कि पुलवामा में हमला हो गया, 40 जवान शहीद हो गए, उसकी जवाबदेही किसकी है, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ। सिर्फ ये सवाल पूछने पर उस घटिया प्रचार तंत्र ने मेरा फोन नंबर सार्वजनिक कर दिया था। 60 घंटे तक मुझे और मेरे परिवार को धमकियां दी जाती रहीं। एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने हमारे पक्ष में बात की थी, मगर आप जानते हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी फिर से जाकर उन्हें बहाल किया गया है, कई सालों बाद, 2-3 साल बाद। यह हालत है इस देश के अंदर लोकतंत्र की और न्याय की। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे राजनेता, हमारे जज, हमारे मीडिया आत्ममंथन करेंगे कि देश को किस दिशा में ढकेला जा रहा है, और जिस दिशा में ढकेला जा रहा है वहां से पलटना, वहां से वापस आना एक हद के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।